गुरुवार को इंदौर संभाग की डिप्टी कमिश्नर रजनीत सिंह, एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन संजय दीक्षित और एमवाई अस्पताल के अधीक्षक पीएस ठाकुर ने एमवाई अस्पताल की मर्चुरी पहुंचकर वहां हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल एमवाई अस्पताल की मसूरी में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते 1 करोड़ रुपए की लागत से हाउसिंग बोर्ड द्वारा डिकम्पोज बॉडी के लिए पोस्टमार्टम रूम, वहीं 16 बॉडी रखने की क्षमता वाले कमरे को 40 डेड बॉडी रखने की क्षमता वाला कमरा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही परिजनों के लिए एक बैठने की व्यवस्था को लेकर एक कॉल का निर्माण किया जा रहा है। एमवाई अस्पताल की मर्चुरी में हो रहे विकास कार्य पूरा करने की डेडलाइन 28 फरवरी दी गई है। अस्पताल अधीक्षक के अनुसार आने वाले दिनों में डेड बॉडी को रखने को लेकर हो रही परेशानियों से निजात मिलेगी। नहीं, ये क्या है एक्चुअली, अभी जो हमारे मर्चुरी में जो उसको और विकसित करने के लिए काम चल रहा है, जो हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है, तो जो हमारे डिकम्पोज बॉडी के लिए अलग से एक वो पोस्टमार्टम रूम बन रहा है, साथ में हमारा जो डेड बॉडी रखने का जो स्थान है उसको अभी 16 बॉडी की कैपेसिटी है, उसको 40 बॉडी का बनाया जा रहा है। तो उसके लिए पूरा काम शुरू हो चुका है, इसका टेंडर खुल चुका था जनवरी के शुरू में और अब इसका काम प्रारंभ हो चुका है। सब वो इसीलिए आई थी देखने कि हाँ कितना काम हो चुका है। ये प्रयास है हम सभी का कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम बेहतर सुविधाएँ यहाँ पर सबको उपलब्ध करा पाएंगे। निर्माण की कोई समय सीमा तय की गई है? हाँ, निर्माण की समय सीमा वो जो बोल रहे हैं कि अधिकतम 28 फरवरी तक बोल रहे हैं कि हम पूरा कर देंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि हाँ तब तक काम पूरा हो जाना चाहिए। हमारा यह है कि जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है, क्योंकि अपने पास फिर उसके बाद डेड बॉडी रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बड़े उससे क्या है कि जो अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अभी 16 बॉडी रखने के लिए मॉर्चुरी कूलर हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई रखना चाहता है, हम उसको नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि हमारे जो MLC non-MLC MI की हैं वही पर्याप्त होती हैं, साथ में हमारे जो कोविड अस्पताल हैं उनकी भी डेड बॉडी रखाती है यहीं पे, तो उसका प्रोटोकॉल है कि डेड बॉडी यहाँ आएगी इसके बाद ही जाती है वो, है ना। तो वो उससे बेहतर होगा, और उस कहीं ना कहीं जो परेशान होते हैं कोई, क्योंकि निजी अस्पतालों में कई बार बहुत कम मॉर्चुरी कूलर हैं, बहुत कम जगह मिल पाती है, तो उम्मीद है कि इससे उनके लिए सुविधाओं का विस्तार होगा, साथ में परिजनों के लिए भी अलग से जो सेकेंड फेज में उसका बनाया जाएगा, तो जो परिजनों को बनाया जाएगा तो उससे वो बाद में उसको हम और बेहतर कर पाएंगे। शॉर्ट PM नहीं, हम फुल PM रिपोर्ट देते हैं। शॉर्ट PM हमने प्रावधान नहीं रखा है यहाँ पे, शॉर्ट PM रख देते ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट PM में सुन लीजिए, कानून में शॉर्ट PM रिपोर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कानूनन शॉर्ट PM होती नहीं है। अच्छा, अति संवेदनशील मामला कोई बहुत हो जिसमें हो अति संवेदनशील हो उसी में दी जा सकती है, ये गलत प्रथा है, ये नहीं देना चाहिए, आपको फुल रिपोर्ट देना चाहिए। तो हमारी फुल रिपोर्ट जमा हो जाती 3 दिन के भीतर, उसको रिपोर्ट दे दी जाती है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।